थोड़ी देर पहले बात करी थी, डाइट भी बेटर कर रही है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बेटर कर रहा है। जो पहले लोग वॉक करते थे, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होता था, अब कंप्यूटर दौर आ गया है, बच्चे भी बैठ के घर में ही काम कर रहे होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, कि इसका भी थोड़ा सा रोल प्ले है इस सारे में? देखिए, कैंसर जो है वो तो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, चंद एक कैंसर में, सब में नहीं है। और उसके अलावा जो एनवायरनमेंट में स्वाय चंद एक कैंसर जैसे वो सिगरेट स्मोकिंग है और लंग कैंसर है, बाकी के साथ कोई डायरेक्ट एसोसिएशन बहुत थोड़ी कैंसर की है। और ये मल्टीपल इसके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी डाइट जो है प्योर नहीं है, कुछ कहते हैं पोल्यूशन जो है केमिकल्स हैं, तो इसमें और उनकी एक एसोसिएशन डायरेक्ट नहीं है। कोई चीज़ अभी ऐसी है फूड स्टैंडर्ड है तो उससे कैंसर हो गया है, ये एक ओवरऑल वो कहते हैं जब कैंसर बढ़ रहा है तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट अंडरलाइंग जेनेटिक जो इंस्टेबिलिटी होती है जो बॉडी के अंदर होती है उसका भी रोल है। कुछ फैमिलीज़ में कैंसर ज़्यादा है, कैंसर जीन्स हैं कुछ फैमिलीज़ में, बाकी जो डायरेक्ट एसोसिएशन है वो बहुत थोड़े कैंसर्स की है, जो जो हम कह सकते हैं सर्वाइकल कैंसर है या लंग कैंसर है। लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसको हम ट्रीटमेंट के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या ब्लड कैंसर के भी ऐसे केसेस आए हैं आपके पास जिनको ठीक हो गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल गया जी है? काफ़ी साल हैं, तकरीबन कोई 60 से लेके 80% कैंसर ऐसे हैं जो क्योरेबल हैं ब्लड के, स्पेशली बच्चों में। अच्छा, जी तो बच्चों में भी यानी ये डिज़ीज़ होती है हाँ जी, ज़्यादा बच्चों में है? कुछ कैंसर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है इसका, ट्रीटमेंट का कितना एक प्रोसीजर होता है, कितना ड्यूरेशन होता है जिसमें ये ट्रीटमेंट चलता देखिए कुछ कैंसर तो ऐसे हैं जो कि क्योरेबल नहीं है, उनका तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट देंगे वो वक्ती तौर पे वो दब जाएगा, कैंसर जो है सप्रेस हो जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा वो अपियर होगा तो फिर दे देंगे। तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ आप कैसे हैं जो बिल्कुल लाइलाज हैं, जिनका इलाज शायद पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इसलिए क्योंकि बहुत सारी किस्में कैंसर की, तो एक जनरल स्टेटमेंट देना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है कि कुछ ऐसे हैं जो सालों चलते रहते हैं, दस अच्छा, दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल चलते रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चंद महीनों में ख़त्म कर देते हैं इंसान को। तो जो जो एक्यूट वाले हैं असल में वो जो है उनका ट्रीटमेंट मुश्किल है लेकिन उनमें क्योर रेट ज़्यादा है। अच्छा, अक्सर हम कैंसर्स में सुनते हैं ये हैं कि ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो क्या ब्लड कैंसर में भी इसी तरह ट्यूमर्स बनते हैं कि वो ब्लड के अंदर ही कोई केमिकल मूव कर रहा होता है? देखिए ब्लड कैंसर जो है उसमें तो जो ब्लड में जो सेल होते हैं, खलिए होते हैं, वो बढ़ जाते हैं,